हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। दुनिया भर में मशहूर जादूगर गोपाल के जादू के चर्चे इतने बड़े हैं कि हर कोई दूर से देखते ही गोपाल जादूगर को पहचानने लगता है। जादूगर गोपाल अपने जादू से कभी रुपए बनाता है तो कभी पंछी बना देता है, तो कई बार तो चुनावी मैदान में उतरकर अपनी जीत का दावा भी किया जाता है। लेकिन आज उसी के घर में गोपाल का जादू नहीं चला, उसके पुत्र और पुत्र वधु में झगड़ा इस कदर बढ़ा कि वह सड़क पर आ गया। एक बार तो आस पड़ोस के वाले ऐसा सोचा कि कोई जादू का शो चल रहा है, लेकिन वह जादू नहीं था, गोपाल जादूगर के बेटे हरीश जादूगर और उसकी पत्नी के बीच चल रहे बहस का हिस्सा था। और धीरे धीरे आग तेजी से फैली, वहां खड़ी महिलाओं ने भी जादूगर गोपाल के बेटे को पीट दिया। ये मामला इसलिए हुआ कि जादूगर के बेटे हरीश जादूगर की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। काम के सिलसिले में जादूगर अधिकतर घर से दूर रहता था, लेकिन पति पत्नी के मन मुटाव काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे। एक दिन हरीश जादूगर को बार बार फोन करके अपनी पत्नी को बोल दिया कि मैंने तो शादी कर ली है और मेरे बच्चे भी है, तू चली जा, तेरे इतना ही कहना है। बाद में पत्नी को सहन नहीं हुआ और अपने ससुराल गोपाल जादूगर के घर पहुंचकर जमकर तांडव मचाया। मैं तो 2 साल का बच्चा भी, मैं कैसे सहन करूं? अब बोल